हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और मैं अभी शाम के टाइम से मेरा वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। बाबू सोया हुआ है, रिया भी ट्यूशन गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। और आज हमारे यहाँ फ्रॉम पे ट्रेड फेयर आया है, तो मैं सोच रही हूँ ट्रेड फेयर में चलूँगी। आज बहुत सामान आया है बाहर से, कोट वगैरह भी आए हैं। कैसा है क्या है पता नहीं, जाने से देखेंगे। सस्ता भी है बोल रहे थे, अब नहीं जाऊँगी तो पता नहीं चलेगा। और कल है सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा के लिए अंजलि भी लेने जाना होगा। कल का ब्लॉग तो मैं कल ही डालूंगी। हमारे बेटी के स्कूल में क्या होता है, वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे पूजा नहीं होता है सरस्वती पूजा, इसलिए उन लोगों को बाहर जाके अंजलि लेना होता है, तो वो भी सोचना पड़ता है कि कहाँ पे जाके अंजलि ले। अभी देखते हैं क्या होता है, उनको अंजलि लेना कहाँ पर होता है। और गवर्नमेंट स्कूल में तो पूरा स्कूल में होता है, पर उनके स्कूल प्राइवेट है इसलिए नहीं होता है। तो मैं हम लोग निकलते हैं और सब तैयार हो चुके हैं। अभी बज चुके हैं 6:10, 7 बजे के अंदर आएंगे घर पे, तो जल्दी निकलते हैं। तो बाबू को चूल ठीक कर देती हूँ, बाबू भी तैयार हो चुका है, घर के पास ही है इसलिए हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे घर के कपड़े में। बच्चे सब तो निकल ही चुके हैं, अभी मैं भी निकलती हूँ। दरवाजा चेक करते हैं, निकलते हैं और अभी चलिए चलते हैं। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, तो हस्बैंड जी लगा रहे ताला। मैं निकल चुकी हूँ, अंधेरा हो रखा है बाहर पूरा। तो लीजिए, हम मेले पे भी आ चुके हैं। ये हाफलोंग ट्रेड फेयर 2024 लिखा हुआ है, देखते हैं अंदर जाके कुछ दुकानें वुकानें खुला है या नहीं। लोग तो है, चलिए। हस्बैंड जी लोग भी रोड क्रॉस कर चुके हैं, मैं भी अभी चलती हूँ। तो मैं अभी कोट ट्राई करने लगी। ऐसे तो देखने में अच्छा था पर मुझे फिटिंग नहीं आया, तभी मैं पहन के देख रही हुई थी। मेरा हस्बैंड भी, हस्बैंड जी को पूछ रही थी कि अच्छा लगा या नहीं। और इसका टोपी तो इतना बड़ा था, वो टोपी देख के हम लोग हंसने लग गए, क्योंकि ऐसे तो कोट अच्छा था, बस टोपी के लिए वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टोपी पहनने के साथ साथ तो और बड़ा ढुलढुला हो जाता है, कैसा लगता है पर पता नहीं। और यहाँ पे लाइट झिकझिक झिकझिक कर रही है, इसलिए मेरा कैमरा से वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं आया, क्योंकि उसमें लाइट में कुछ प्रॉब्लम था। और इस साइड भी ऐसे है कुछ लोग, यहाँ पे बहुत बाहर के कपड़े आए हैं, गरम कपड़े वगैरह, सूट सेट में भी था। यहाँ पे मोती के माला हार बहुत खूबसूरत खूबसूरत भी थे, बहुत सारे हैं, पर कौन सा लोग पता नहीं चला, कौन सा अच्छा है ठीक से दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पे बहुत सारे नए नए आइटम भी आए। ये है सिर खुजली करने का कॉम भी बोल सकते हैं आप, और हस्बैंड जी उसी को लेकर सिर खुजली कर ले, और हम सब हंस हंस के, यहाँ हमारा पेट का दर्द हो गया, इतना हंस रहे थे हम सब। उनके दोस्त भी सब साइड में थे। यह कॉम सिर खुजली करने का। और फिर इस साइड गए थे, वहाँ पे बेड कवर और कम्बल का भी स्टॉल लगा हुआ था, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन था, पर मैं आज नहीं देखूँगी, मुझे नहीं देखना था। और सारे बहुत सारे दुकानें भी खाली हैं, अभी तक उन्होंने सामान नहीं डाला है, अभी बस पहले पहले शुरू हुआ है, धीरे धीरे वहाँ पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, सब दुकानें फुल हो जाएंगी। और इस साइड पे फिर आपको बर्तन का दुकान मिल जाएगा, जो प्लास्टिक वगैरह का बर्तन है, सब कुछ एक साइड में भरा हुआ है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे पापड़ के डिज़ाइन वाले पापड़ थे, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई कैसा था, सब कलरफुल भी था। उसके बाद यहाँ पे फिर चॉकलेट भी था, और एक चॉकलेट जो मार्केट में 20 रुपीज़ में मिलता था, यहाँ 50 रुपीज़ बोल रहे थे। और अचार भी था, अचार का सेंट बहुत अच्छा था। फिर अचार के अपोजिट साइज दुकान में यहाँ पर सोफ़ा लगा है, सोफ़ा कम बेड, बहुत खूबसूरत खूबसूरत था। लोग देखने लगे, मुझे तो नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं देखी, मेरे हस्बैंड तो गए वहाँ पे देखने के लिए, पर हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि हमारे घर पे जगह ही नहीं है रखने के लिए। और यहाँ पे मैं मोज़ा देख रही थी, मोज़ा ले लिया बाबू के लिए, 3 पीस।
ये मोजा का स्टॉल है, फिर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग 2-3 दिन बाद ही आए थे, पूरा दुकान भरा नहीं था, खुला नहीं था। हम लोग फिर दूसरे दिन आएंगे क्योंकि आज वहाँ से निकल गए और घर भी जाना था क्योंकि देर हो चुका था। तो चलिए हम घर चलते हैं। तो हम लोग अभी राजमा छिल रहे हैं मैं और मुन्नी मिलके। ये आज रात के लिए तो नहीं होगा क्योंकि भिगोया नहीं है, छिल के एक बार से भिगो देंगे। कल सुबह हम लोग राजमा की सब्जी खाएंगे। उसके बाद बाबू यहाँ पे बर्बाद कर रहा है, बाबू डिस्टर्ब करता है सब काम में, इसका टांग आना बहुत ज़रूरी है हर काम में। और कल सुबह खाएंगे ये, अभी रात को तो नहीं हो पाएगा, अभी रात को तो नहीं हो पाएगा। तो कल सुबह के लिए ये दाल बनाएंगे, राजमा भिगो के रख देंगे और दाल बनाएंगे। तो किस किस को राजमा का दाल पसंद है प्लीज़ कमेंट करना। बाबू को देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, और मुन्नी और मैं मिलके राजमा छिल रहे हैं। और ये अभी रात को तो नहीं बनेगा, कल सुबह के लिए, तो इसको मैंने छिल के रखा है और यहाँ पे छिलने वाले हैं। और बाबू यहाँ पे गंदगी कर रहा है। और किस किस को राजमा पसंद है प्लीज़ कमेंट पे बताना। तो अभी रात को तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसको भिगोना पड़ेगा। तो कल सुबह के लिए ये राजमा सब्जी है, कल सुबह राजमा की दाल खाते हैं। मैं फिर मेरे ब्लॉग यहीं पे रखती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मेरी महासा से सुमागे मैंने आप लोगों को फिर से मिलती हूँ नए ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय।